सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट. क्या है? 4s² - 4a + 1. सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करेंगे, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा. फैक्टराइज करेंगे, 2 2s 4 2 1 2. हमें 4s लाना है. हियर वी हैव टू गेट 4s. हम क्या करेंगे, 4s² - 2s - 2s - - + - 4s. ओके ना, -+ 2 2 4 - 4s. नो कॉमन. अब हम कॉमन लेंगे. क्या है, 2s. 2 2 4 is 2s 2s crossed 1 is left - 1 कॉमन लेंगे. यहाँ पे 2a + - - 1. नो 2a - 1 बाहर बाहर के लेंगे, देन इस ग्रुप में से एक लेंगे, 2a - 1. ओके, नो हियर 2a - 1 = 0. 2a - 1 = 0. विल गेट टू, 2 0s आएंगे हमारे पास, क्योंकि क्या है ये, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का पावर 2 होते हैं, इससे 0s भी 2 होंगी. सो 2s = 1, 1 विल गो दिस साइड, देयरफॉर s = 1/2. सिमिलरली 2s = 1, s = 1/2. ओके, सो वी हैव गॉट 2 0s, हमारे पास 2 0s आ गए, अल्फा एंड बीटा, दैट इज 1/2. बोथ, दोनों के दोनों हमारे 1/2 आते हैं. हेंस जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल 4s² - 4a + 1 आर 1/2 and 1/2. 1/2 and 1/2 हमारे दोनों जीरोस हैं इस पॉलीनोमियल से. अब हमें करने हैं वेरिफिकेशन. जीरोस एंड कोएफिशिएंट के रिलेशनशिप को हमें वेरीफाई करनी है. सो वी हैव टू, हमारे पास 2 0s है, 1/2 and 1/2. ओके, तो इन 2 0s को हम अल्फा और बीटा सपोज करते हैं. अल्फा 1/2 और बीटा भी हमारे क्या है, 1/2. वेरिफिकेशन करेंगे. वेरिफिकेशन के लिए यू नो ए क्या है 4, बी क्या है 4. यहाँ पे आप देख सकते हो ए इज 4, बी इज ऑल्सो -4 एंड सी इज 1. सी क्या है, 1. नो, अब हम यहाँ पे करेंगे वेरिफिकेशन. सिंपली वेरिफिकेशन क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा. सम ऑफ जीरोस का -b/a. -b/a, -b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x. आप यहाँ पर रिटर्न भी कर सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x. -b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, जस्ट यू नो ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² अब हमें वेरीफाई करनी है दैट दिस इज इक्वल टू दिस. LHS इज इक्वल टू RHS. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ओके हाँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. अल्फा क्या है हमारा, 1/2. LHS करेंगे, दिस इज LHS और दिस इज RHS. हम वेरीफाई करेंगे LHS अल्फा प्लस बीटा. व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या है, 1/2. व्हाट इज बीटा, 1/2. वी विल टेक हियर 2 2/2 = 1. क्या आया हमारा, LHS 1. नाउ हियर दिस साइड RHS -b/a है. व्हाट इज -b क्या है हमारा, -b है -4. व्हाट इज b, -b -4. -4/a. व्हाट इज a क्या है, a इज 1. यहां देख सकते हो a इज 1, a इज 4, a इज 4. आप यहां देखो a इज 4. ओके, नाउ अगर हम ये 4 4 को कट कर देंगे क्या आएगा, -4 1 4, -+ वी विल गेट हियर 1. हेंस LHS इज इक्वल टू RHS. हमने देखा LHS RHS के इक्वल है. हेंस सिंस RHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड. ये क्या हो गया, वेरीफाइड. गॉट इट. नाउ इसी तरह से अब हम करेंगे इस, ये तो हमारा अल्फा सम ऑफ जीरोस हो गया. नाउ हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा.
अल्फा इंटू बीटा इज टू वट सी बाई ए, क्या होता है सी बाय ए, सी क्या है सी स्टैंड फॉर कॉन्स्टेंट एंड ए इज वट, ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए हमारा कोएफिशिएंट है किसका एक्स स्क्वायर का, सो कोएफ ऑफ एक्स स्क्वायर व्हाट इट, अब व्हाट इज अल्फा, अब हम इसे वेरीफाई करेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस आरएचएस के इक्वल है कि नहीं, हम ये क्या करेंगे वेरीफाई, जस्ट लुक हियर, इसके लिए हम क्या करेंगे अल्फा व्हाट इज अल्फा 1/2 इनटू बीटा इज आल्सो 1/2 1 × 1 = 1 / 4 बीटा अल्फा इंटू बीटा इज टू 1/4 अब हम आर एच एस साइड में करेंगे व्हाट इज सी सी बाय ए सॉरी सी बाय ए है सी बाय ए व्हाट इज सी सी क्या है सी क्या है सी इज हियर 1 सी इज 1 व्हाट इज ए ए क्या है ए इज 4 सो वी गेट हियर LHS is equal to RHS. हमने देखा यहाँ पे LHS RHS के बराबर है. It's verified, okay? Since यहाँ पे करेंगे since LHS is equal to RHS. क्योंकि LHS RHS के बराबर है. Hence verified. इसलिए क्या हो गया? Verified. Now let's see the third part of question one. That is 6x square. Solution है 6x square minus 3 माइनस 7x, यू नो इसे हम अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू डिग्री 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3. नाउ अब हमें इसे जीरो से फॉरवर्ड करने के लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करते हैं, उससे पहले हम कांस्टेंट और x स्क्वायर कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 3 18 6 3 = 18 Not 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3. Factor forward करेंगे prime factorization के through. Now by using these हमें लाने हैं minus 7. 3 × 3 = 9, 9 − 2 = 7. Okay? अब हम करेंगे 6x² - 9x + 2x - 3. ग्रुपिंग करेंगे इस तरह से, हम ग्रुपिंग करेंगे कॉमन क्या है 3x 3 × 2 = 6 एक्स 3 × 3 = 9 एक्स क्रॉस्ड है ना, इसमें कॉमन क्या आएंगे 1 2x बन जा 2x प्लस माइनस माइनस 3 वी हैव गॉट हियर, हमारे पास यहाँ क्या आता है 3x + 1 बाहर वाले हैं 3x + 1 ब्रैकेट में से हम लेंगे 2x - 3 3x + 1 is equal to 0. 2x - 3 is equal to 0. Understood? यहाँ तक क्लियर है? Now, 3x is equal to minus 1. Therefore, x is equal to minus 1 by 3. Here, 2x is equal to 3. This side जाएगा. Sign will change. Therefore, x is equal to 3 by 2. Hence, we can say that, हम यहाँ कर सकते हैं. We have both two zeros. Therefore, माइनस 1/3 एंड 3/2 आर द जीरोज ऑफ, ये जीरोज हैं किसके जीरोज हैं, जीरोज ऑफ 6x² - 3 - 7x. अंडरस्टूड, के इनके जीरोज हैं. अब हम करेंगे वेरिफिकेशन. ओके, यहां पे माइनस 1/3 हम अल्फा सपोज कर लेते हैं फर्स्ट जीरोज को एंड बीटा इज इक्वल टू 3/2, ये दो जीरोज हैं, अल्फा माइनस 1/3 है और बीटा क्या है 3/2. अब हम करेंगे वेरिफिकेशन, उससे पहले हम करेंगे व्हाट इज ए व्हाट इज बी व्हाट इज सी. ए क्या है यहां पे हम करेंगे, कोई बात नहीं डायरेक्टली भी कर सकते, वी कैन डू डायरेक्टली आल्सो वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन में फर्स्ट क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, जो कि क्या है कोएफ, बी क्या है कोएफ और मींस कोएफिशिएंट ऑफ x, a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. व्हाट इट नाउ, अब हमें प्रूफ करने हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए. ओके, अल्फा और बीटा जो है, अल्फा और बीटा के सम यानी टू जीरोस के सम माइनस बी बाय ए आता है. तो फर्स्ट वी विल डू LHS और RHS. जस्ट लुक हियर,
इसे ही हम इस फॉर्म में करके कर सकते हैं जो ऑलरेडी हम पहले कर चुके थे, 6x² - 7x - 3, a = 6, b = -7 and c = -3. Now look here, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है -1/3, what is beta 3/2. Now we'll take LCM here, 3 of 2 calcium 6, 3 to the 6 2, 2 of the 2 minus 2, 2 3 the 6, 3 3 the 9, 7/6. This side, ये साइड क्या आएगा हमारा, माइनस बी, वॉट इज बी, -7, सो -7. एंड वॉट इज ए, -b/a, वॉट इज ए, ए क्या है, ए इज 6, सो -+7/6. हमने देखा यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में LHS RHS बराबर है, ठीक, सिंस LHS इक्वल टू RHS. उसी तरह से हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अब हम अदर साइड में देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इनटू बीटा. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए. सी क्या है, कांस्टेंट. ए क्या है, व्हाट इज ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफ ऑफ एक्स स्क्वायर. नाउ अल्फा इंटू बीटा हम देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा मीन्स कि LHS है, दिस इज LHS एंड दिस इज RHS. LHS साइड में हम देखेंगे LHS RHS. LHS क्या है, अल्फा. अल्फा व्हाट इज, -1/3. व्हाट इज बीटा, 3/2. दिस साइड, हाँ, 3 1 जा 3 -3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, माइनस में -1 आएगा. ओके, Now here, RHS side में C by A. What is C? C by A. C क्या है? -3. And what is A? A क्या है? Then A is 6. A is 6. Now, 3 1 जा 3. Sorry, यहाँ पे हमारा this look here. 3 1 जा 3. 3 2 जा 6. We get here -1/2. Similarly, 3 1 जा 3. 3 2 जा 6. माइनस में आएंगे, -1/-1/2. हमने देखा बोथ दिस साइड, ओके, वेरीफाई मींस बोथ दिस साइड, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. हमने दोनों साइड में देखा दैट, ओके, LHS इज इक्वल टू RHS. LHS RHS के बराबर है. जब LHS RHS के बराबर है देन क्या होगा, वेरीफाई. सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई. क्योंकि ये वेरीफाइड. अंडरस्टूड, आया समझ में? सो गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट. आप इसे प्रैक्टिस करते रहें, यू कैन डू इट, टू इजी.